खजूर एक बहुत ही लाभकारी फल है जिसमें पौष्टिक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। इसका सेवन करने से मनुष्य में ब्लड प्रेशर, हार्ट, कैंसर, पेट और हड्डियों से संबंधित बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। खजूर के फलों से अनेक प्रकार की चीजें जैसे जूस, जैम, चटनी, अचार और बेकरी उत्पाद बनाए जाते हैं। इसके सूखे हुए फलों से पिंड, खजूर और फलों को सुखाकर छुआरा बनाया जाता है, जिसका बाजार में अच्छा मूल्य मिलता है और मरुस्थलीय इलाके में इसकी बागवानी से पर्यावरण को भी काफी फायदा होता है। जलवायु, खजूर एक शुष्क जलवायु का पौधा है, इसलिए इसके पौधों को अधिक वर्षा की जरूरत नहीं होती। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहां पानी की किल्लत है, वहां भी इसकी बागवानी आसानी से की जा सकती है। इसके पौधे तेज धूप में अच्छे से विकास करते हैं। वहीं एक कहावत है, खजूर के पांव पानी में और सिर धूप में रहता है तो अधिक फल देता है। ठंडे प्रदेशों में इसकी बागवानी नहीं की जा सकती। इसकी बागवानी के लिए 7 से 8.5 pH मान वाली भूमि की आवश्यकता होती है। पौधों की अच्छी वृद्धि करने के लिए 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है और फलों के पकने के दौरान इसे 45 डिग्री का तापमान चाहिए होता है। उन्नत किस्में, वर्तमान समय में खजूर की कई उन्नत किस्में मौजूद हैं, जिन्हें जलवायु और पैदावार के हिसाब से उगाया जा रहा है, जो इस प्रकार से हैं। बरही, खजूर के इस किस्म को अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उगाया जाता है। इसके पौधे अधिक तेजी से वृद्धि करते हैं। इसके पौधों में फल देरी से निकलते हैं। फलों का आकार अंडाकार और रंग पीला होता है। इसके एक पौधे से तकरीबन 70 से 100 किलो फलों को प्राप्त किया जा सकता है। खुनेजी, खुनेजी किस्म के पौधे सामान्य रूप से वृद्धि करते हैं। इसका पौधा कम समय में पैदावार देना आरम्भ कर देता है। इसमें लगने वाले फलों का रंग लाल होता है, जो स्वाद में काफी मीठे होते हैं। इसके एक पौधे से तकरीबन 60 किलो खजूर प्राप्त हो जाते हैं। हलावी, यह खजूर की एक अगेती किस्म है जो जुलाई के महीने में उत्पादन के लिए तैयार हो जाती है। इस किस्म के फलों का रंग हल्का नारंगी पाया जाता है, जिसमें छिलका पीले रंग का होता है और इसका एक पौधा 100 किलो तक की पैदावार देता है। खजूर की हलावी, बरही, खुनेजी ताजा फल खाने के लिए अच्छा है और मेटज्यूल, खदरावी सुखाने और प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त है। खजूर का प्रसारण, खजूर के पौधे में नर और मादा फूल अलग अलग पौधों पर आते हैं। इसका प्रसारण बीज, ऑफ शूट, सकर, जिसका वजन 8 से 10 किलो होता है और टिश्यू कल्चर से तैयार पौधों से किया जाता है। पौध लगाने का तरीका, सबसे पहले सही स्थान का चयन करते हैं। इसके बाद 8x8 मीटर की दूरी पर निशान बनाकर खेत में 1 मीटर व्यास के गड्ढे खोदकर तैयार कर लिए जाते हैं। ये गड्ढे पौध लगाने के 1 महीने पहले तैयार कर लिया जाता है। पौध लगाने से पहले प्रति गड्ढे में कीटनाशी 30 ग्राम डालते हैं। इसके बाद 25 किलो कंपोस्ट खाद को मिट्टी में मिलाते हुए भरते हैं। गड्ढा भरने के बाद सिंचाई कर देते हैं। इस प्रकार गड्ढा पौध लगाने के लिए तैयार हो जाता है। खजूर के नर्सरी पौध किसी सरकारी रजिस्टर्ड नर्सरी से ही खरीदना चाहिए। इसके पौधों को खरीदते समय यह जरूर ध्यान रखें कि पौधे बिल्कुल स्वस्थ हो। खजूर के पौधों को तैयार किए गए गड्ढों में सावधानी पूर्वक 8x8 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। पौधा लगाने के बाद हजारा से पानी देना चाहिए। 1 हेक्टेयर में 156 पौधे लगाए जाते हैं। खरपतवार नियंत्रण, खजूर की बागवानी के बाद अक्सर कई तरह के खरपतवार उग जाते हैं, जिन्हें निराई गुड़ाई करके समय समय पर निकालते रहना चाहिए। इससे बाग में कीट रोगों का प्रकोप कम होता है, पौधों की अच्छी बढ़वार होती है। सिंचाई, खजूर के पौधों को बहुत ही कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मियों के मौसम में इन्हें 15 से 20 दिन में पानी देना चाहिए। वहीं सर्दियों के मौसम में इसके पौधों को महीने में केवल 1 बारी सिंचाई की आवश्यकता होती है। वहीं ड्रिप से सिंचाई करने पर पानी की बचत होती है। खजूर के फलों की पैदावार, खजूर का पौधा रोपाई के 5 वर्ष बाद पूर्ण रूप से फल देने के लिए तैयार हो जाता है। जब इसके फल पक जाते हैं, तब इसके फलों की तुड़ाई 3 चरणों में कर लेनी चाहिए। पहले चरण की तुड़ाई में इसके ताजे और पके हुए फलों की तुड़ाई की जाती है। वहीं दूसरे चरण में इसके नर्म फलों की तुड़ाई की जाती है और अंतिम चरण में फलों के सूख जाने पर तुड़ाई की जाती है, जिसका इस्तेमाल छुहारा बनाने में किया जाता है। इस प्रकार किसान खजूर की बागवानी करके अच्छा खासा मुनाफा कमाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं।